आज हम आपको इस गाड़ी के अंदर लेके जा रहे हैं। सही है, मार्केट में बिल्कुल नई चीज आई है। सही है, बताएं कौन सी गाड़ी है। नहीं भाई, ये बहुत महंगी गाड़ी है, इसको बहुत ही संभाल के चलाना पड़ेगा। सही है, सही पैनोरामिक। ओए होए, स्टार्ट हो गई यार। इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर है यार, मोबाइल रखो यहाँ पे और चार्ज होता रहेगा। ओए होए भाई, अब जो है ना हम जा रहे हैं इसमें वाइट रेवो में। सही है, और देखते हैं कि इसका क्या सीन है। वैसे तो हमने एडवेंचर ट्रिप के ऊपर बहुत चलाई है ये। सही है, लेकिन आज जो है ना हम लेने की नीयत से इसके अंदर बैठ रहे हैं। सही, चले भाई जान, साफ सुथरी गाड़ी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सुबह के जो है ना 7:30 बज रहे हैं और मैं जो है वो अजवा भर रहा हूँ। सही है, वो क्यों भर रहा हूँ अभी मैं नीचे जाके गाड़ी में बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से ठीक ठाक? आज सुबह सुबह आप लोग सोचोगे कि यार मैं कहाँ निकल गया हूँ। एक्चुअली सीन ये है कि कल के दिन में मैंने एक गाड़ी के ऊपर अपना माइंड बना लिया है बाकायदा, काफी सारी चीजें सोच समझ के अब हमने सोच लिया कि भाईजान एक गाड़ी हम लेने जा रहे हैं। सही है, अब वो गाड़ी रियान भाई के पास पता नहीं उस मॉडल में है या उससे लेटेस्ट मॉडल में या पुरानी, लेकिन वो गाड़ी तो खड़ी हुई है रियान भाई के पास। तो आज हमने वहां पे जाना है। सही है, और देखना है ये है कि हमारी गाड़ी की आज डील फाइनल हो सकती है नहीं। ठीक है, एक काम तो आज के दिन का ये हो गया। सही है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है वो भी कर लेंगे। साथ साथ इस्लामाबाद से हमारे एक दोस्त आए हुए भाई कराची, हमें मालूम नहीं था, और जब मालूम हुआ तो हमने बोला भाई चलते हैं सुबह कहीं साथ। तो उनका एक प्लान था तो मैंने बोला उन्हीं के प्लान में शामिल हो जाते हैं। तो अभी सुबह सुबह हम उन्हीं को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो बस दिन स्टार्ट करें, आज का व्लॉग जो है वो बड़ा लंबा होगा और बड़ा मजेदार होगा। आ जाए चले भाई, अब हम जो है ना पहुंच गए हैं बोट बेसिन पे। यहाँ पे हमारा प्लान बना था कि हम नाश्ता करेंगे क्योंकि उनकी रहायश यहीं पे, उन्होंने कहीं पे होटल वगैरह लिया था या कोई गेस्ट हाउस लिया था। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम जो है वो आगे निकलेंगे। बाय द वे उनसे रابطہ तो जो है ना रहता है, लेकिन मुलाकात फर्स्ट टाइम होने वाली है भाई से। और ये अजवा खजूर जो आपने देखी सुबह सुबह में भर रहा था वो उनके लिए भर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, यहाँ पे नाश्ते में जो है ना सिर्फ हलवा पूरी नहीं है बल्कि पराठे हैं, अंडा है और निहारी का भी फुल सीन है। मतलब माशाल्लाह जो है ना अच्छे से ब्रेकफास्ट यहाँ से जो है ना घर के भाई निकलेंगे सारे। चले भाई, नाश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और मुझे ये लगा था कि इनका प्लान है हॉक्सबे के करीब करीब जो है ना इन्होंने कहीं जाना है, लेकिन उड़मारा बीच जाना है भैया। अब वो तो एक लंबा फुल एडवेंचर ट्रिप है, मतलब 4 घंटे की तो सिर्फ ड्राइव है जाने की, 4 घंटे की आने की, और आज रात तो मेरी फ्लाइट भी है। देखना ये कि ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा, अल्लाह करे सब खैरियत हो। पहुंच गए हम लोग बुराक। सही है, और ये आ गया भाई, अब यहाँ पे पार्क करते हैं इंशाल्लाह। गाड़ी तो जो है ना सेफली पार्क हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह होनी चाहिए भैया। अब यहाँ से जो है ना हमारी सवारी ये एडवेंचर वाली है 4x4। ठीक है, तो अली भाई किसमें, सोनी में बना रहे होते हैं आप? जी ब्रो, सोनी। ओए होए भाई, ये चेक करें आप लोग, जो है ना फुल मेहनत हो रही है। सही है, इसके अंदर बना रहे होते हैं अली भाई कंटेंट। ये कौन सा A73 है? A73S। अच्छा, आप इसमें बना रहे हैं? वो फोटोग्राफी के लिए। अच्छा, वो फोटोग्राफी के लिए। ओहो जबरदस्त भाई, मैंने जो है ना रिसेंटली अपने सारे कैमरे में बेच दिए। सही है, मैं सिर्फ ये आईफोन ही है, बस एक ही हथियार है ये, इसलिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ओए होए, ये चेक करें भाई, यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक जाम है सारा भाई। एक्चुअली जो है ना कल अली भाई और का प्रोग्राम बना था टर्टल बीच और मारा की साइड पे जाने का, लेकिन कल ये लोग इस तरफ आए थे अटेम्प्ट करके फिर वापस रिटर्न हो गए थे, क्योंकि ये देखें यहाँ पे जो है ना कोई मैसिव किस्म का जो है ना ट्रैफिक ब्लॉकेज है आगे। सही है, वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से ठीक ठाक है? क्या सिलसिला आगे सारा? यार मेरा ख्याल गाड़ी कल्टी हुआ है उधर, वो जो कल से कल्टी हुआ है। हाँ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सर। ओए होए, चलें चलें, अल्लाह मालिक। और सब खैरियत है? मेहरबानी भाईजान, थैंक यू सो मच। नहीं भाईजान, अभी तक रास्ता क्लियर नहीं है, तो रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। सही है, ऐसा ना हो यूके की जगह बलूचिस्तान में ही रहे हम लोग। सिलसिला ये है कि इनको जो है ना कोई बीच लाजमी एक्सप्लोर करना है। सही है, तो अब जो है ना यही हम कहीं मुबारक विलेज के आसपास ही घूम रहे हैं। सही है, और कोई एक आधा कोई खूबसूरत सा बीच मिल गया ना तो मेरे ख्याल से इनका हो जाएगा सेटअप पूरा VIP। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रानी मिल गया भाई, एक रानी पीते हैं। ये बिल्कुल दवाई जैसा लग रहा है। अच्छा, ये ईरानी रानी है इसीलिए बिल्कुल फारे के टेस्ट में, बहुत अजीब सा टेस्ट है भाई। दुबई वाला जो रानी होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, ये बड़ा खतरनाक टेस्ट है भाई। यहाँ से जो है ना एक रास्ता जा रहा है, सही है, ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। यहाँ से हम जा रहे हैं फाइनली बीच के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। चले भाई, अब जो है ना गाड़ी यहाँ से निकालनी है। सही है, और यहाँ पे बहुत ही बारीक डेजर्ट वाली मिट्टी है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पीड में आना पड़ेगा। तो ये लोग पीछे हैं भाई, आ रहे हैं। सही है, यहाँ से और देखते हैं गाड़ी ईजिली थ्रू हो जाती है या नहीं। नहीं, रोकनी नहीं है।
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये रेवो मैं चला रहा होता, ओए होए, तो मैंने क्या करना था यहाँ पे। ये जो लेजर्ड नजर आ रही है आपको, ओए होए भाई, ये तो 120 की स्पीड भाग रही है। अभी देखें ये हिलेगी यहाँ से, ये तो मिट्टी उड़ाते हुए जा रही थी। मैंने बोला ये क्या चीज़ गई है यहाँ से, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखिए, देखिए, ओए होए होए, गई कहाँ, गई कहाँ, गई कहाँ, गई गायब हो गई। अब देखें मिशन ये नहीं है कि ये स्नेक के ट्रेसेस हैं, आपने ढूंढना है, आप ढूंढ के बताएं। हाँ, आप ढूंढ के बताएं। ये देखें भाई, ये वही चीज़ें हैं जो हम अपने एडवेंचर ट्रिप में ढूंढ रहे होते हैं कि भाई जान यहाँ से क्या, कौन सी मखलूक, कौन सा जानवर गया है। ये चेक करें भाई, बीच आ गया, नई जगह एक्सप्लोर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि आप देख सकते हैं इस जगह को, अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, सही है। लेकिन अगर आपके 4x4 है ना, ये देखें रास्ता वहाँ से आ रहा है पूरा यहाँ नीचे तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी 4x4 जो है ना यहाँ पे खड़े करके जो है ना यहाँ पे पार्क करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं ये व्यू पूरा। ज़बरदस्त कलर देख रहे हैं आप इस बीच का, सही, कैसा नीला नीला पानी नज़र आ रहा है। ये देखें भाई, ये 4x4 लिज़र्ड है, सही है। ये 120 की स्पीड में जाएगी अभी, आप देखें, ये देखें गई। पता नहीं क्या चीज़ है, आवाज़ तो आ रही है, समझ भी नहीं आ रहा क्या है। उल्टा सीन हो गया, उल्टा सीन, यहाँ पे ड्रोन चील के पीछे भाग रहा है। ओए होए होए, चले भाई फाइनली मैं अपनी गाड़ी में आ गया हूँ, लेकिन अभी हम लोग इनके साथ जा रहे हैं लंच पे, इनको लंच करवाना है, इसके बाद फिर जो है ना हम अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, ओके। इन लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि गौसिया की नली बिरयानी खिलाते हैं, आ जाए। भैया फाइनली हम लोग याकताबाद पहुंच गए हैं गौसिया नली बिरयानी खाने के लिए। मैंने इन लोगों को भी एक ऑप्शन दिया, मैंने बोला कि निहारी खाने का इरादा है या बिरयानी खाने। इन्होंने बोला नहीं नहीं बिरयानी सही। मैंने बोला यार निहारी के मामले कोई साथ ही नहीं दे रहा है, मुझे लगता है बगैर निहारी खाए जो है ना हमको जाना पड़ेगा यूके। ये देखे भाई अली भाई, देख के परेशान हो गए, यहाँ पे कोई पट्टा वट्टा तो नहीं हो गया। क्या हो रहा है अली भाई, परेशान हो गए भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये साकिब भाई है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो यहाँ का रश देख के जो है ना अली भाई की एक्सपेक्टेशंस और हाई हो गई हैं, ऐसे ही अली भाई। हाँ जो टाइम लगाया है, सही बात। ये भाई साकिब भाई खुद आ गए हैं इसके ऊपर से हटाने के लिए ना, चले भाई हटा दें। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या कार्ड पड़ा हुआ है। ओए होए, ये देखें बिरयानी में कार्ड डाल दिया भाई, पहली बार देखा हमने यार, पहले नहीं देखा कभी हमने। ये देखें आप टेस्ट करें इसको, जरा टेस्ट करें आप, टेस्ट करते। अब भूख जो है ना बहुत टाइट वाली लग रही है भाई, स्टार्ट करते हैं। सही अब भाई ये देखें असल सीन है इसका, सही है, नली निकालना ही है। ओए होए होए जी अली भाई, बहुत जबरदस्त मजा आया आपको, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भाई आ गया बोटी वाला निवाला, ये देखें बीफ। ये चीज अब ये जो है ना निवाला मुकम्मल हुआ है। बिरयानी अभी तक इनकम्प्लीट लग रही थी, अभी ये आ गई कोल्ड ड्रिंक, और ये भाई ओपन हो गई, अब जो है ना मज़ा कम्प्लीट होगा इसका। चले भाई खाना भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अली भाई और को हमने अल्लाह हाफिज़ कह दिया, वो लोग भी निकल गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ कहाँ, गाड़ी कौन सी फाइनल कर रहे हैं हम वो आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। अब्दुल बासित भाई पहुंच रहे हैं, फिर हम लोग चलते हैं रेहान भाई के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे साथ हमारे अब्दुल बासित भाई आ गए, ठीक है भाई जान गाड़ी मैंने सोच ली है, सही है, सही है। अब चल के इन लोगों को भी दिखाते हैं सबको, और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है भाई, तैयार है आप, चले भाई। हमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि आज जो है ना मैं शायद सिएंटा इनको दे के जाऊंगा, बोलूंगा भाई जान रख लें सिएंटा, नहीं चाहिए सिएंटा, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है ना हम एक और गाड़ी की तरफ स्विच करने का सोच रहे हैं, हो सकता है वापसी आऊँ तब तक ये सिएंटा बिक जाएगी, कुछ पैसे डाल के हल्के फुल्के पैसे डाल के एक रेंज के अंदर गाड़ी आई है वो इनको हम बोलते हैं कि भाई जान गाड़ी निकाले कोई, सही है, ताकि हम कुछ टाइम उससे शौक भी पूरा करें, और इसका शौक पूरा करने फिर उसको बेच देंगे एक दो महीने का, क्योंकि उसका फ्यूल एवरेज सही नहीं है, सही है, तो एक दो महीने का उसको बेच देंगे, वापस किसी छोटी गाड़ी के ऊपर आ जाएंगे। तो गाड़ी हमेशा आपको दो पैसे ऊपर दे के ही जाती है, ऐसे ही भाई जान से, बिल्कुल ऐसे ही। चलें भैया पहुँच गए हम फाइनली शोरूम पे, सही है, खड़ी हुई है भाई जान, ये इन्हीं में से कोई एक गाड़ी है अपनी, इन्हीं में से जो फ्रंट पे तीन नजर आ रही है, ये है अब्दुल वासित भाई, ये हम लेने के लिए आए हैं आज। हाँ रात को जब सोएंगे ना तो फिर ये ले लेंगे, और सुबह उठने से पहले वापस देनी होगी। जी क्या कह रहे हैं अब्दुल वासित भाई, कोई काम नहीं है इसका इंटीरियर विड्स का, या वैसे विड्स का इंटीरियर तो अच्छा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ आती गाड़ी। रेहान भाई आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं, पता है क्या, सिएंटा गाड़ी आज हम आपको देके जा रहे हैं, आपको गिफ्ट देके जा रहे हैं, सही है ना। रेहान भाई बोले कि क्या कर रहा है,
ये चेक करें भाई पीजो। काफी सारे लोगों ने बोला था कि भाई आप ये क्यों नहीं ट्राई करते, तो अब हम जो है ना इसकी जरा पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर आते हैं दूसरी वाली गाड़ी के ऊपर। सही है। वैसे भाई जान ये गाड़ी इन्होंने बेच दी है, बड़ी एहतियात से चलानी पड़ेगी, अल्लाह ना करे हल्की फुल्की लग लगा गई ना तो फिर हमें ये खरीदनी पड़ जाएगी। और मतलब इसका भी एक वेट है, बताऊं ये देखो चेक करो, इसका भी एक वेट है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी स्टार्ट होगी। अच्छा रेडियो है यार, रेडियो है ये, भाई बंद करो इसको यार। ये देखें ये चूल्हे की आंच जो है ना तेज करने के लिए, ये देखें तेज हो गई चूल्हे की आंच, अब ये कम हो गई। हाँ ये स्विच वाला सिस्टम मजेदार नहीं लगा कुछ, सही ना, ये कोई अच्छा नहीं लगा। सिर्फ मैं भी जो है ना इसी हो गया था, ऐसा लगता है कि लालू खेत से बनवा के, है ना, वाकई अच्छा। तो आए ना फिर जरा बैठे ना। अच्छा ये देखें भाईजान सनरूफ भी है इसके अंदर। तो यार मैं तो यहाँ पे कोई और गाड़ी लेने के लिए आया था, मुझे लगता है ऐसा ना हो मैं पीजो ले लूँ। ये देखें सबसे अच्छा तो मुझे भाईजान ये स्टीयरिंग लगा है। ओहो हो, अब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे। सही है भाई, रियान भाई बिल्कुल पीछे गए यार। है तो अच्छा वैसे पिकअप इसका, ये गाड़ी अच्छी भी है और एक तरीके से देखा जाए तो मजा नहीं भी आ रहा है। मतलब कुछ कुछ समझ आ रही, कुछ कुछ समझ नहीं भी आ रही, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट समझ नहीं आ रहा कुछ। भाई आई मस्ट से इसका जो स्टीयरिंग है ना ये है मलाई बिल्कुल, सही है ना, दूध के अंदर जो मलाई होती है ना, ओए होए ऐसा बिल्कुल। ये देखें इंग्लैंड की गाड़ी, घर की गाड़ी। मैं जैसे ही रियान भाई ने मुझे ये बताया इंग्लैंड की गाड़ी, मैंने बोला सबसे अच्छी यही गाड़ी है भाई। भाई अब जो है ना हम आपको नेक्स्ट गाड़ी के अंदर लेके जा रहे हैं, सही है, जिसके ऊपर हमारा दिल आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप निहान? ठीक हो यार, मुझे जो है ना कोई अच्छी सी गाड़ी दो यार। कौन सी दोगे बताओ? पीजो पीजो नहीं समझ आ रही यार, कोई और दो मुझे यार। आपको कौन सी अच्छी लगती है बताओ? रिवो। हाँ यार मुझे रिवो दे दो यार। दे दोगे आप मुझे? दे दो यार रिवो। जो पीजो है ना गाड़ी ये बाहर से बहुत अच्छी है, सही है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो है ना अंदर से इतना मजा नहीं है। अपनी रेवो दे दो मुझे प्लीज। दे दो यार। भाई अब जो है ना हम जा रहे हैं इसमें वाइट रेवो में, सही है, और देखते हैं कि इसका क्या सीन है। वैसे तो हमने एडवेंचर ट्रिप के ऊपर बहुत चलाई है ये, सही है, लेकिन आज जो है ना हम लेने की नीयत से इसके अंदर बैठ रहे हैं, सही है, अब फैसला करने का टाइम है। चलो भाई खुल जाओ। हाय हाय हाय, साफ सुथरी गाड़ी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2.8 भाईजान। चले भाई ये इसकी चाबी हम यहाँ रखते हैं, सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओए हाइट तो है इसकी, हाइट तो है, एडवेंचर के लिए बहुत अच्छी है, सही है। एक्सेलरेट करें अब इसको। ये एक बात बताएं, मशवरा दें। यस, मैं चाह रहा हूँ कि ये रेवो हम ले लें, सही है, ले ली हमने। मेरी गुंजाइश थोड़ी सी कम है, सही है, तो हम दोनों भाई मिलके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक डेढ़ महीने बाद बेच देंगे, सही है ना, तो दो पैसे दे के जाएगी गाड़ी, क्या कहते हैं? सही है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ी सी मिलाएंगे, लेकिन मजे मैं लूंगा इस गाड़ी के। एग्रीड, पक्की बात है, देख लें भाई मांगे, ऐसा होना चाहिए दोस्त, ऐसा होना चाहिए। आप लोग बोलते हैं खाने के पैसे लो, इससे पैसे लो। जी जीशान भाई चलें फिर, चलें टेस्ट ड्राइव करें। मैंने सुना है माशाल्लाह ये गाड़ी आपने अपने लिए ली है। अगर मैं बोलूं मेरी सेंटा आप रख लें और ये मुझे दे दे दो फिर देख ले, अब कैमरे पे आ गया ये। तो अब्दुल वासिल जी कैसी रही राइड इसकी? है ना, मजा तो आया भाई। अभी सर्दियां आ रही है भाई जान, अभी एडवेंचर ट्रिप करने हैं, अभी हमने आपको नॉर्दर्न एरियाज घुमाने, सारी जगहों के वो यही गाड़ी जाएगी ना, अब हमारी वाली गाड़ी थोड़ी जाएगी, है ना, डेढ़ से दो महीने बाद इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि हम यूके से वापस आएंगे, सर्दियां आ गई होंगी और हम आपको पूरा घुमाएंगे फिराएंगे, एडवेंचर करेंगे। कमेंट करें आप लोग, सही है, तो फिर हम इंशाल्लाह फैसला ले लेते हैं। अभी तो मैं यूके जा रहा हूँ, अभी अपनी सेंटा भी जो है ना यार, आज तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ना, कल सेंटा इनको दे देना, सही है, इनको बोलना है आज नहीं ना, तो तुम मुझे एयरपोर्ट या रिक्शे में छोड़ने जाओगे क्या? हाँ भाई एयरपोर्ट छोड़ दो, इसका इनको दे देना, बोल देना भाई मेरा वापस आने से पहले भेज दो, सही है। इसके बाद फिर हम जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारी प्रायोरिटी है कि इसका 2017 का अगर मॉडल हमको मिल गया ना, तो हमारी गाड़ी से थोड़े से पैसे ऊपर डालने पड़ेंगे, सही है ना। हाँ अगर 2018-19 की तरफ गए ना, तो फिर ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। अभी सीन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, अभी हम आपको एक बहुत जबरदस्त गाड़ी की जो है ना टेस्ट ड्राइव देने जा रहे हैं, और बड़ी एक्सक्लूसिव है, मार्केट में भी आपको नजर नहीं आएगी। ये देखें ये है होंडा की वीजल, यार ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल की गाड़ी है, किसका? ई-ट्रॉन जैसी। हाँ यार वाकई ई-ट्रॉन, यार ये तो वो चीज लग ही नहीं रही है, कहाँ वीजल और कहाँ ये इसका नया मॉडल, आप लोग देखें यार माशाल्लाह। अच्छा ये बता दूं ये जापानी गाड़ी है, सही है, जापानी गाड़ी। ओए ओए
चेक करें आप यार इसका इंटीरियर वगैरह। चले यार इसकी ड्राइव लेने चलते हैं। पीछे से आप देखें इस गाड़ी को यार, ये तो भाई भाई यार, ये रियान भाई ये कितने की गाड़ी? 145। इससे तो वॉलेट निकाल लिया भाई। 145 की ये गाड़ी, 1,45,00,000 की। इसमें तो दो रेवो आ जाएंगे हमारी यार, जिस बजट में हम देख रहे हैं गाड़ी। नहीं भाई ये बहुत महंगी गाड़ी है, इसको बहुत ही संभाल के चलाना पड़ेगा। सही है। ओए होए मुझे ही चेक करो, मैंने क्या किया, सिर्फ जस्ट टच, वन टच। वाओ टच भी नहीं कर रहा, मतलब जबरदस्त नहीं कर रहा। ये देखें, आए हाय 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 यार क्या बात है, मतलब भाई ये तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक कार लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या चीज है? ओए होए स्टार्ट हो गई यार, बहुत जबरदस्त यार, ये तो जो है ना कोई नेक्स्ट लेवल की चीज लग रही है। अच्छा ये भाई, ये इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर है यार, मोबाइल रखो यहाँ पे और चार्ज होता रहेगा। ओए होए क्या बात है। इतनी गाड़ियां अभी तक मैंने चलाई है ना, इतना मजा मुझे किसी गाड़ी में नहीं है। अभी तो मैंने इसको चलाया भी नहीं है, अभी चला के आपको बताता हूँ। अब मैं इसको एक्सीलरेट करने जा रहा हूँ। ओए होए ओहो ये देखे, ओहो साउंड भी अच्छा है। मक्खन गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है, लेकिन जो है ना रेंज से कोसों दूर है, और कराची में चलाने ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो चली नहीं है, 17 की एवरेज दे रही है भाई ये, 17 की एवरेज। ये देखें भाई, यहाँ से आप इसका जो है ना ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें स्पोर्ट्स पे आ गई, ये नॉर्मल पे आ गई, ये इको पे आ गई है, सही है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है, प्लस इसके इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक्सेलेंट जो है ना इसका इंटीरियर है। स्पेस, लैग स्पेस बहुत अच्छा है गाड़ी। ये देखें, आहा हा टांगे ऐसी सीधी हो गई, फिर ऊपर से ये जो सनरूफ है। पीछे स्पेस कैसा है अब्दुल बासित भाई? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लगी। महंगी है लेकिन नो डाउट जितनी महंगी है ना उतना कम्फर्ट भी है इसके अंदर, उतनी सुन गाड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कुछ चला रहे हैं, ऐसा लग रहा हवा में बैठ के जा रहे हैं। ये देखिए भाई, बटन दबाया आपने और ये आहा कितनी इज्जत दी है इस डिगी ने। वाह यार स्पेस तो बहुत अच्छी है, बच्चे तो यहीं पे सो जाएंगे हमारे आराम से। हाँ अजान हो रही है, अजान के बाद मिलते हैं। हमारा सवाल है पैसे पूरे हो गए, बस जा रही है गाड़ी, जा रही है गाड़ी, बाय बाय भाई। अब बहुत सारे काम तो हो गए लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। मिठाई लेनी है यार, जो हमारे यूके के भाई हैं जिनके घर पे हम जाके ठहरेंगे उनके लिए जरा कराची की जो है ना सौगात तो होनी चाहिए ना। तो हम बादराबाद पे आ गए भाई जान, ये दरबारे शरीफ है, सही है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगाते हैं, खुद भी इसी चक्कर में एक आधी मिठाई हम खा लेंगे भाई, क्या कहते हो, है ना, चले आ जाए। चेक करें भाई बासित, जैसे बात बताओ मेरी पता है फेवरेट कौन सी है? ये पतीसा, सही है ना। तुम्हारी फेवरेट कौन सी बताओ? ये गुलाब, गुलाब नहीं, कौन सी, कौन सा बेटा भाई? इसका एक पीस जो है ना मैंने निकलवा लिया क्योंकि रहा नहीं जा रहा था, ये चीज आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्यों उठा लिया तुमने? कैसी है? तुम्हें अपनी वाली भी निकलवानी है तो निकलवा लो ना पेटा, क्योंकि तुम्हारा पेटा तुम्हारे को अलाउ नहीं करेगा कि तुम पेटा कहो। भाई ये है चमचम, इसको आप तोड़ दें आधा करें। ओए होए होए ये हम दोनों खाएंगे, आ हा 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 हा, क्या बात है, ये कागज उठा लो ना उड़ जाएगा। मजा आ गया। रेडी, जबरदस्त, इसको कर दें बस पैक करना है, ऐसी वीआईपी पैकिंग कीजिएगा जब तक हम ना खोलें ना खोलें। चले भाई अब मेन सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रैवल की कंप्लीट हो गई है, अब कुछ छोटी मोटी चीजें रहती हैं उसके लिए मैं अभी इम्तियाज जा रहा हूँ। लेकिन इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखनी है, रात 12 बजे के बाद कल का व्लॉग भी स्टार्ट होना है, सही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस ट्रिप की एक भी वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सफर में, और यहाँ से उड़ेंगे इंशाल्लाह नॉटिंघम, बर्मिंघम, आप बर्मिंघम उतरेंगे, इसके बर्मिंघम से गाड़ी के अंदर जो है जाएंगे नॉटिंघम इंशाल्लाह, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा भाई, अस्सलाम वालेकुम।